किशनगढ़ राज्य रे राजा रंजित सिंह कर राजुति थिला। किशनगढ़ राज्यर महाराणी चंद्रकांता सबु लोक पसंद करुथिले। तांकर गोटे पुओ भी थिला जहार ना राजकुमार वीर थिला। राजकुमार रंजित सिंह निज दरबार रे निज सिंहासन रे बसिथिले। सबु राजा मंत्री भी सेठी छिड़ा हेथिले। आउ सेतबेले राजदूत भी आसिले। महाराजांकर जय हौ, महाराजांकर जय हौ। कोंतो कोन सूचना आनी छंती महाराज? सूचना एया जे पड़ोसी राजा विक्रम सिंह कर सेना आम राज्य उपरे आक्रमण करिवो। विक्रम सिंह ताको मालूम नहीं कि जेतले पोको मरिवा पई चाहे से नियाड़ को थाए। महाराज जदि आपन आज्ञा देबे आमे भी मुकाबला पई कोशिश करिवा। मते कोशिश न काम दरकार। सर्वप्रथमे दुश्मन विषय रे पता लगाओ। ता पाखरे केते हथियार सैनिक आ घोड़ा अछंती। ता परे मु रणनीति बनेबी। ता संगरे मुकाबला केमिति करिवार अछि। रंजीत सिंह समस्तंको बुझाई देले आ समस्ते निज कामरे लागि गले। आजिर सभा एठी समाप्त हला। चंद्रकांता निज कक्ष रे बसिथिले सेतबेले रंजीत सिंह आसी गले। कोन हला आपण एते चिंतित काहे कि लागुछंती? पड़ोसी राज्यर राजा विक्रम आम उपरे आक्रमण करिवार योजना बनेछि। विक्रम सिंह को हारिबा को हबो। लेकिन मु राज्य रे शांति चाहुछि। एई समय भावुक हे कि भाबिबार नुहे। जदि शत्रु आसुछि ताहले आमुक तार जवाब दबाकु हुए। चंद्रकांता रंजित को साहसिक उपाय उठेबा को प्रेरित कले। ठीक अछि महारानी, मु भी विक्रम सिंह को जवाब देबी। मु तुमर विजय हवा बाट को अपेक्षा करी रहिबी। राजा रंजित सिंह चंद्रकांतार कथा मानिगले आउ सी सेठु चली गले। राजा रंजित सिंह निज रणनीति मनेबा को लागिले जेउथि पई से निज मंत्री चत्रुंकु डाकिले। महाराज कर जय हो। महाराज कोतु मु आपनकर कोन सेवा करि पारिबी? तबकु ए कथा तो जणा थिबो जे आमो उपरे आक्रमण हेबार संभावना अछि। संभावना नुह महाराज, एटा तो हबा निश्चित। तो फिर तुम्हें बुझी जीवा कथा जे तुमको आमो पई कण करिवार अछि। मु बुझी गेली महाराज, आपण कहिबा अगरु मु सब सूचना नै कि आसी छि। तो फिर बताओ ता हिसाब रे आमे युद्धर रणनीति तैयार करिबा। महाराज राजा विक्रम रो झियो बैशाली ए युद्ध को नियंत्रण रे रखी छि। अच्छा ताले गोटे झियो आम संगे लड़िबार जरूरत करूछि। महाराज तांको पाखरे 100 सैनिक आउ 100 घोड़ा अछंती, गोटिए हाथी आउ राजकुमारी बैशाली आम आड़े ही अग्रसर होउछती। बिल्कुल नुह, गोटे महिला संगे आमे केबे लड़िबानी। ता उपरे हाथ उठेले आमको पाप लागिबो। किंतु महाराज आमे जदि पछहुंचा देबा आमो राज्य आमो हाथरु चली जिवो। लेकिन आमे जदि ए युद्ध जीत भी गले तो लोक कहिबे जे आमे गुडे कमजोर महिला थारु युद्ध जीती छु। किंतु जदि हारी गले के पछहुंचा देले तबे लोक कहिबे जे गुडे महिला थारु डोरी गले आपण। कोन करिबी चत्रु, बड़ धर्म संकट रे पड़ी जाई छि मु। एटा राज्य रे इज्जत आ भविष्यतर कथा ये। तुमे ही किछि सलाह दियो। महाराज मु कहतली कि आमे आमो दूतंकु कथाबार्ता पई पठाइबा, काले सेठु राजकुमारी फेरी आसीबे। हां ये ठीक रहइबो, एबे से जवान अछि सेति पई जोश रे होश हरे बसिछि आउ आमो सा युद्ध करिबा पई बाहरि पड़िछि। ए ठीक अछि महाराज, मु कोनसी विश्वस्तनीय दूतक पठाउछि, आज्ञा दियंतु। जाओ आउ कोनसी शुभ संकेत मो पई नै कि आस। चत्रु राजांकर आज्ञा पई सेठु चली गले। चत्रु निज दूत जीत को निज पाख को डाकिले। मो कथा ध्यान दे सुनो, तुमको राजकुमारी बैशाली को पाख को जिवार अछि। आज्ञा सरकार। निज संगरे तुमे धनराज को भी नहीं जाओ आ राजकुमार को फेरी जिवार संदेश देकि आसो। आज्ञा सरकार, मु एबे राजकुमारी को पाख को जाउछि आ यथा शीघ्र आपन को शुभ समाचार सुनैबि मु। ठीक अछि, आ जमा विलंब न करि एठु बाहरि जाओ तुमे। जीत चत्रुंक ठारु आज्ञा नेले आउ धनराजुंकु नेई राजकुमारी बैशाळींक पाखकु कथाबार्ता हबाकु चली गले। जीत आउ धनराज रास्तारे चली चली जाउथिले। चली चली सकाळ हेइ जाइथिला। सेतबेले दूर गोटे जंगलरे तांकु राजकुमारी तांक सेनामानक सहित देखा गले। सामनारे एते गुडाय लोक अछंती, आमो जीवन तो रहिबो ना। आमे कोन तांक सह युद्ध करबाकु आछु? आमे तो वार्ता करबाकु आछु। आमको एमाने काहे कि मारिबे?
तथापि आराम रे कथा हबो नहले आमे माने बलि चली जिबा। तुम्हें देखिबो कथा वार्ता रे मु केते कुशल सब समाधान कर देबी आउ राजा को थारु पुरस्कार भी नेबी। सब अदा अदा हब कारण जीवन को विपद पके दी जन आसीचु हेले वार्ता जदि मु करबी ताहले पुरस्कार भी मु नेबी ना। चलो प्रथमे वार्ता को नबा तापर दी जन कथा हबा। दुई जन राजकुमारी को सिपाही को पाखो को चली गले। किए तुम्हें एठी के कहीं आछो? आमे दूत आमको महाराज रणजीत सिंह शांति वार्ता पई पठाई छंती थरे राजकुमारी को स कथा वार्ता करे दियंतु। जा कहिवार अछि मते कहि दियंतु मु राजकुमारी को कहि देबी। जीत आउ सिपाही दुई जन कथा हबा को लागिले। परदिन महाराजा रणजीत सिंह कर पुणी थरे दरबार लागिला आउ समस्ते जीत आउ धनराज कर फेरिबार बाट को अपेक्षा करथिले। आउ बाकी मंत्री भी निज निज विचार सब दउथिले किंतु चत्रु चुपचाप सेठी बसिथिला। सेतबेले राजमहलर सबुठारु बुद्धिमान घोड़ा दौड़ी दौड़ी आसिला आउ ये कौन ता पिठीरे धनराज कर सब पड़िथिला जोथिरे गोटे खंडा थिला आउ गोटे संदेश पत्र भी थिला। ये केमिति हला धनराज मोरी गला अहले जीत कोठे अछि ए लड़की निज औकात भूली जाइछि आउ एबे रेखा भी डेई गलाणी ए संदेश पत्र मते दियो। सिपाही आगो को बढ़ी घोड़ा ऊपर धनराज को काढ़िले आउ खंडा बाहर को काढ़ी संदेश पत्र काढ़ी राजा को हाथ को दे देले। राजा ए पत्रटी पढ़िले आउ तांका आखिरे क्रोधर निया जळी उठिला आउ से जोरे चिलेले नाही एबे आउ नाही। कहानी जारी रहिबो। किशनगढ़ राज्य रे राजा रंजीत सिंह कर राजुति थिला। किशनगढ़ राज्यर महाराणी चंद्रकांतांकु सबु लोके पसंद करुथिले। तांकर गोटे पुओ भी थिला जहार ना राजकुमार वीर थिला। राजकुमार रंजीत सिंह निज दरबार रे निज सिंहासन रे बसिथिले। सबु राजा मंत्री भी सेठी छिडा हेथिले आउ सेतबेले राजदूत भी आसिले। महाराजांकर जय हौ महाराजांकर जय हौ। कोंतो कोन सूचना आनी छथि? महाराज सूचना एया जे पड़ोसी राजा विक्रम सिंह कर सेना आमो राज्य उपरे आक्रमण करिवो। विक्रम सिंह ताको मालूम नहीं कि जेतले पोको मरिवा पई चाहे से नियाड़ को थाए। महाराज जदि आपन आज्ञा देबे आमे भी मुकाबला पई कोशिश करिवो। मते कोशिश न काम दरकार सर्वप्रथमे दुश्मन विषय रे पता लगाओ ता पाखरे किते हथियार सैनिक आ घोड़ा छंती ता परे मु रणनीति बनेबी ता संगरे मुकाबला केमिति करिवार अछि। रंजीत सिंह समस्तंको बुझाई देले आ समस्ते निज कामरे लागि गले। आजिर सभा एठी समाप्त हला। चंद्रकांता निज कक्ष रे बसिथिले सेतबेले रंजीत सिंह आसी गले। कोन हला आपण एते चिंतित काहे कि लागु छंती? पड़ोसी राज्यर राजा विक्रम आमो उपरे आक्रमण करिवार योजना बनै छी। विक्रम सिंह को हारिबा को हबो लेकिन मु राज्य रे शांति चाहू छी। एई समय भावुक हे कि भाबिबार नुहे जदि शत्रु आसु छी ताहले आमु को तारो जवाब दबा को हुए। चंद्रकांता रंजीत को साहसिक उपाय उठेबा को प्रेरित कले। ठीक अछि महारानी मु भी विक्रम सिंह को जवाब देबी। मु तुमर विजय हवा बाट को अपेक्षा करी रहिबी। राजा रंजीत सिंह चंद्रकांतार कथा मानी गले आउ सी सेठु चली गले। राजा रंजीत सिंह निज रणनीति मनेबा को लागिले जेउथि पई से निज मंत्री चत्रु को डाकिले। महाराज कर जय हो महाराज कोतु मु आपन को कोन सेवा करि पारिबी? तबको ए कथा तो जणाथिबो जे आमा उपरे आक्रमण हेबार संभावना अछि। संभावना नु महाराज एता तो हबा निश्चित। तो फिर तुम्हें बुझी जीवा कथा जे तुमको आमो पाई कांड करिवार अछि। मु बुझी गेली महाराज आपण कहिबा अगरु मु सब सूचना नै कि आसीछि। तो फिर बताओ ता हिसाब रे आमे युद्ध रणनीति तैयार करिबा। महाराज राजा विक्रम रो झियो बैशाली ए युद्ध को नियंत्रण रे रखीछि। अच्छा ताले गोटे झियो आमो संगे लड़िबार जरूरत करूछि। महाराज तांको पाखरे 100 सैनिक आउ 100 घोड़ा अछंती गोटिए हाथी आउ राजकुमारी बैशाली आम आड़े ही अग्रसर होउछती। बिल्कुल लुह गोटे महिला संगरे आमे केबे लड़िबानी ता उपरे हाथ उठेले आमको पाप लागिबो। किंतु महाराज आमे जदि पछ घुंचा देबा आमो राज्य आमो हाथ रु चली जिवो।
लेकिन आमे जदि ए युद्ध जीति भी गले तो लोक कहिबे जे आमे गुडे कमजोर महिला ठारु युद्ध जीति छु। किंतु जदि हारी गले के पछगुंचा देले तबे लोक कहिबे जे गुडे महिला ठारु डोरी गले आपण। कौन करीबी चत्रु बड़ धर्म संकट रे पड़ी जाई छी मु। एटा राज्य रे इज्जत आउ भविष्य तर कथा ये। तुम्हें ही किछि सलाह दियो। महाराज मु कहतली कि आमे आमो दूतन को कथावार्ता पई पठाइबा काले सेठू राजकुमारी फेरी आसीबे। हां ये ठीक रहइबो। एबे से जवान अछि सेति पई जोश रे होश हरे बसी छी आउ आमो सा युद्ध करबा पई बाहरी पड़ी छी। ए ठीक अछि महाराज मु कोन से विश्वस्तनीय दूत को पठाउ छी आज्ञा दियंतु। जाओ आ कोन से शुभ संकेत मो पाई नै कियास। चत्रु राजांकर आज्ञा पाई सेठु चली गले। चत्रु निज दूत जीत को निज पाख को डाकिले। मो कथा ध्यान दे सुनो तुमको राजकुमारी बयसाली को पाख को जिवार अछि। आज्ञा सरकार। निज संगे तुम्हें धनराज को भी नै जाओ आ राजकुमार को फेरि जिवार संदेश देकि आसो। आज्ञा सरकार मु एबे राजकुमारी को पाख को जाऊ छी आ जथा शीघ्र आपन को शुभ समाचार सुनेबी मु। ठीक अछि आ जमा विलंब न करी एठू बाहरी जाओ तुमे। जीत चत्रंग ठारो आज्ञा नेले आ धनराजुं को नै राजकुमारी बैशाळी को पाख को कथा वार्ता हबा को चली गले। जीत आ धनराज रास्ता रे चली चली जाउथिले। चली चली सकाळ हे जायथिला सेतबेले दूर गोटे जंगल रे तांको राजकुमारी तांको सेना मानक सहित देखा गले। सामने रे एते गुडा लोक अछंती आमो जीवन तो रहइबो ना। आमे कोन तांको स युद्ध करबा को आछु। आमे तो वार्ता करबा को आछु। आमो को ए माने काहे की मारिबे। तथापि आराम रे कथा हबो नहले आमे माने बलि चली जिबा। तुमे देखिबो कथा वार्ता रे मु केते कुशल सब समाधान कर देबी आ राजा को ठारु पुरस्कार भी नेबी। सबु अदा अदा हबो कारण जीवन को विपद पके दी जण आसीजो। हेले वार्ता जदि मु करबी ताहले पुरस्कार भी मु नेबी ना। चलो प्रथमे वार्ता को नबा तापर दी जण कथा हबा। दुई जण राजकुमारी को सिपाही को पाखो को चली गले। किए तुमे एठी के कहि आछो। आमे दूत आमको महाराज रणजीत सिंह शांति वार्ता पई पठाई छंती। थरे राजकुमारी को स कथा वार्ता करे दियंतु। जा कहिवार अछि मते कहि दियंतु मु राजकुमारी को कहि देबी। जीत आउ सिपाही दुई जण कथा हबा को लागिले। परदिन महाराजा रणजीत सिंह कर पुणी थरे दरबार लागिला आउ समस्ते जीत आउ धनराज कर फेरिबार बाट को अपेक्षा करथिले। आउ बाकी मंत्री भी निज निज विचार सब दउथिले किंतु चत्रु चुपचाप सेठी बसिथिला। सेतबेले राजमहलर सबठारु बुद्धिमान घोड़ा दौड़ी दौड़ी आसिला आउ इए कोन ता पिठीरे धनराज कर सब पड़ीथिला जोथिरे गोटे खंडा थिला आउ गोटे संदेश पत्र भी थिला। ये केबिति आला धनराज मोरी गला आहेले जीत कोठी अछि। ए लड़की निज औकात भूली जाई छी आउ एबे रेखा भी डेई गलाडी। ए संदेश पत्र मते दियो। सिपाही आगो को बढ़ी घोड़ा ऊपर धनराज को काढ़िले आउ खंडा बाहर को काढ़ी संदेश पत्र काढ़ी राजा को हाथ को दे देले। राजा ए पत्रटी पढ़िले आउ तांको आखिरे क्रोधर निया जळी उठिला आउ से जोरे चिलेले नाही एबे आओ नाही। कहानी जारी रहिबो।